तो हाय गाइस यार, आज थोड़ी सी अलग वीडियो बनाना चाहता था। कुछ बुक्स दिखाना चाहता था आप लोगों को जो मैं रीड करता हूँ फ्री टाइम में अपने। और आई नो ये थोड़ा जेई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये थोड़ा वैसे है सेल्फ ग्रोथ टाइप बताना चाहता था, क्योंकि कल को आप भी कभी कॉलेज जाओ ये फ्यूचर वीडियो मेरा काम आ जाए। तो कुछ बुक्स जो मुझे अच्छी लगी आपको रिकमेंड मैं करना चाहूँगा। तो पहले यार ये डीप वर्क नाम की, अब बहुत अच्छी किताब, ठीक है, मतलब इट्स अ लाइट रीड, आप पढ़ सकते हो। ये प्रोडक्टिविटी के बारे में, अगर जेई एस्पिरेंट हो तो मैं रिकमेंड करूंगा यार ये बुक एक बार पढ़ लेना फ्री टाइम में। अगर अभी पेपर आ रहे हैं तो थोड़ा रहन देना, बट वैसे फ्री टाइम में पढ़ लेना यार, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी है यार मिलियनेयर फास्ट लेन। कई बार क्या होता है यार, हम ये सोचते रह जाते हैं कि साल भर सेव करेंगे, पूरा जीवन सेव करेंगे और 60 साल के होंगे तो एक अच्छा हमारे पास कॉर्पस होगा, फाइनेंशियल कॉर्पस। ट्रस्ट मी, वो थिंकिंग हमारी एक बार ये बुक पढ़ लेना काफी क्लियर हो जाएगी कि ये थिंकिंग क्यों है, किस कारण है और क्यों हम गलत सोचते हैं। कि हमें पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि सेव सेव सेव, वाई इट इज रॉन्ग, एक बार ये पढ़ना। अब एक किताब है यार, अब ये थोड़ी सी नॉवल टाइप है, चेतन भगत की 5 पॉइंट एंड समवन बट नॉट टू डू इट IIT। अब ये IIT लिखा है बट ये किसी भी कॉलेज के लिए वैलिड हो सकती है। ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी बट एक बार मस्त किताब है, पढ़ना। तीसरी आती है यार बिल्ड टू सेल, मतलब अब थोड़ी सी बुक में बताना चाहूंगा स्टार्टअप साइड की, मतलब जैसे किसी को अपना बिजनेस खोलना है वगैरह। तो एक है बिल्ड टू सेल, मतलब अगर स्टार्टअप कर रहे हो चल रहा है तो एक बार ये बुक करना। कई बार क्या होता है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टअप एक्वायर हो जाए, हम इसलिए खोलते हैं। अगर आपको पता हो तो फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुआ था तो वो इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि अमेजोन उसे एक्वायर कर ले, बट जब तक अमेजोन की एंट्री इंडिया में हुई तो वो काफी बिग बन चुका था, इसलिए फ्लिपकार्ट ने एक्वायर नहीं कर पाया। बट काफी हमारा मन होता है कि यार हम ऐसा बिजनेस बनाए जो बाद में एक्वायर होकर हमें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बना सके, बट उल्टा हो जाता है काफी कि बिजनेस खुद ऐसा बन जाता है कि हम पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये किताब एक बार पढ़ लेना ताकि आपका बिजनेस ऑटोमेट हो सके, काफी अच्छी किताब है ये भी। दूसरी आती है यार ग्रोथ हैक योर फर्स्ट स्टार्टअप, ये पढ़ी नहीं है मैंने बट काफी फेमस किताब है ये भी। तो एक बार ये मैंने पढ़ी नहीं अभी तक ये, और एक ये 48 आवर स्टार्टअप, ये भी काफी अच्छी है। कई बार हम प्रोकास्टिनेट करते हैं तो इसमें दिखा रखा है कैसे एक बंदा 48 आवर में एक पूरी कंपनी खोलता है। और यार एक किताब और है, माइंडसेट के ऊपर है, काफी पुअर और रिच माइंडसेट आजकल हम काफी बात करते हैं ना, तो एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस किताब। लिटरली एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होता है, ये सारा मतलब पता चल जाएगा। एक बार ये किताब भी पढ़ना, जरूरी नहीं यार सारी किताबें पढ़ो जो मेरे पास है बट एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। अब एक होती है यार मिलियनेयर फास्ट लेन के एक ऑथर की है ये, द रैट रेस एस्केप। क्या होता है, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, नौकरी करो, पूरा जीवन सेव करो, पेंशन कमाओ, ये काइंड ऑफ एक रैट रेस होता है। रैट रेस इन द केस की मतलब एक साइकिल है, वही रिपीट होते जा रहे हैं, नया कुछ चेंज नहीं हो रहा, जो बाकी सब कर रहे हैं हर्ड मेंटेलिटी हम भी वही कर रहे हैं। एक बार ये किताब पढ़ना यार, क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप नहीं काफी बड़े कॉर्पोरेट आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अब आते हैं यार थोड़ा सा इन्वेस्टिंग साइड की तरफ। तो एक मेरी बहुत अच्छी किताब मेरे को लगी द वॉरेन बफे वे, कि कैसे वॉरेन बफे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो देखते हैं, कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट को कैसे चेक करते हैं, ये काफी उच्च पे। और एक इंडियन ऑथर की और किताब है, लाइक जिन लोगों को आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट क्या होता है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो ये हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अनकंसिस्टेंटली इन स्टॉक मार्केट, काफी अच्छी और ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई किताब, जिसे कहते हैं ना ईजी टू अंडरस्टैंड, वो है। अब कई होता है कि मतलब मैं तो अभी पैसे नहीं कमा रहा बट काफी लोग कमा रहे होते हैं, तो उनके लिए एक किताब है लेट्स टॉक अबाउट मनी बाय मोनिका, काफी फेमस ये ऑथर हैं और न्यूज में भी आती रहती है कि कैसे हम पैसे को उड़ा देते हैं फालतू चीजों में, पता भी नहीं चलता, साल के एंड तक मंथ एंड आ जाता है और कैसे पैसे सारे गुल बैंक अकाउंट से, वो है थोड़ी सी कि पैसे को मैनेज कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यार कुछ किताब जो कि माइंडसेट से रिलेटेड है, लाइक पहली है साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत फेमस किताब है, लाइक नेक्स्ट रिच डैड पुअर डैड कह सकते हो इसे, कि हम पैसे को कैसे देखते हैं, इन्वेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, इन्वेस्टिंग करके कैसा माइंडसेट होता है हमारा, पैसा आखिर है क्या, ऐसे एज सच काफी अच्छी किताब है उसके बारे में है। एक और है यार माइंडसेट के ऊपर, थिंक एंड ग्रो रिच, काफी अच्छी है और काफी प्रैक्टिकल, मैं कहूंगा इसमें काफी प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे जो हम चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं हम नंबर, वो कैसे अचीव करें। एक काफी बढ़िया किताब है और ये अभी मत पढ़ना, अगर जो कोई जी एस्पिरेंट जिसका जी 3-4 महीने में, वो अभी इन बुक्स को मत लेके बैठ जाना दोस्त, फ्री टाइम में पढ़ सकते हो बट ऐसा नहीं है कि अपना दिन का शेड्यूल काट के किताबें पढ़ रहे हो। एक और किताब है द सीक्रेट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई गेस हम सबने सुना होगा कि क्या होता है, यूनिवर्स से जो मांगो वो सच आता है, उसी के बारे में और पूरी लंबी किस्सी कहानी बता रखी है, एग्जाम्पल दे रखे हैं कैसे आप इसे अपने काम कर सकते हो। और
एक थोड़ा पर्सनल एग्जांपल दूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी काम करता है। थोड़े से एग्जांपल मैंने देखे हैं रियल लाइफ में होते हुए, तो सीक्रेट ज़रूर पढ़ना यार, काफ़ी अच्छी किताब है, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अब एक है सोशल मीडिया की, गैरी वेनरचक, गैरी वी जिसे कहा जाता है, उनकी जैब 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 राइट हुक की कैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ग्रोथ होती है और कैसे बिजनेसेस गलती करते हैं इन पे आके कि हमें इंस्टाग्राम पे क्या नहीं करना। अगर आप एक कंपनी चलाते हो तो सोशल मीडिया में कस्टमर से कैसे कनेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। एक और है हाउ टू बिल्ड अ कंपनी, ये उनकी है, हरप्रीत गोयल, विभोर गोयल, ये वो IIT बॉम्बे के एलुमनाई हैं। एक स्टार्टअप कैसे उन्होंने खड़ा किया, क्या चैलेंजेस थे। फिश ये मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी यार, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। एक और है माइंड सेट के ऊपर, एज अ मैन थिंक इट, इसकी एक दिक्कत है यार, इसकी इंग्लिश बहुत टफ है, लाइक मेरे को टफ लगी, और काफ़ी मतलब वो लेट इंग्लिश होती है जो विलियम शेक्सपियर के ज़माने की है, उससे थोड़ा नीचे, मतलब इट्स नॉट मॉडर्न इंग्लिश मैंने लिखी, काफ़ी पुरानी किताब है। पूरी सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे हमारे थॉट्स हमारे डेली एक्शन को लेके कैसे हमारी लाइफ बनाते हैं, वो है पूरी। और एक और किताब है बिफोर यू स्टार्ट अप इन एक एंटरप्रेन्योर, क्या फिर, ये काफ़ी नेगेटिव किताब है, पहले बता दूँ, बहुत नेगेटिव किताब है, तो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं करनी तो इसे मत पढ़ना, मैंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि दिमाग खराब कर दिया था यार इसने। और लास्ट किताब जो बताना चाहूँगा यार, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। कई बार क्या होता है यार, हमारे पास सब कुछ होता है बट सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता जीवन में। तो अगर आप भी कुछ ऐसे हो कि 100 करोड़ की कंपनी खोल के बैठे हो पर जीवन में चैन नहीं है, तो ये किताब जरूर पढ़ना, आपको समझ आएगा कि कैसे जीवन में चैन ला सकते हैं। तो ये थी यार अब तक की कुछ किताबें। एक किताब और है ईट दैट फ्रॉग नाम की, वो अभी मेरे पास है नहीं, बट वो जरूर पढ़, वो टाइम मैनेजमेंट पे, अगर 80-20 प्रिंसिपल आपने कभी पता हो कि 20% जो हमारा काम होता है वही 80% एफर्ट ला सकता है, तो वो भी एक अच्छी किताब है। ये सारी मत पढ़ना अगर मन नहीं है तो, रिकमेंडेशन थी छोटी सी, अगर जितनी आपको पढ़नी है पढ़ लेना, और अगर कोई एस्पिरेंट है जिसका अभी महीने में एग्जाम है तो वो तो इन्हें मत पढ़ना भाई, पहले पेपर दे लो, उसके बाद खूब टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सी यू ऑल, ऑल द बेस्ट।